दोस्तों अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज वो दिन आ चुका है, फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका आपको कई दिनों से इंतजार था। दोस्तों आपने जैसा कि सुना था कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से 5000 रुपीज का, यानी 5000 रुपये का आपको हेल्प दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को मिल नहीं रहा था और आप लोगों के अकाउंट में अभी तक क्रेडिट हुआ नहीं था और पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे, शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे अप्लाई होगा। कुछ लोग ये बोल रहे थे केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि केंद्र सरकार मना कर रही है क्योंकि अब जो दिल्ली की पावर है, दिल्ली की सत्ता का जो मेन पावर है वो एलजी के पास चली गई है, एलजी ने फाइल रोक रखी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे थे। दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है, आपको जो 5000 रुपये मिलने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। अब बिल्कुल 1% भी इसमें डाउट नहीं है कि आपको वो 5000 रुपीज नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इस 5000 रुपीज को अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं, कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर से दबा लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीजी सेल्फ टेक। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है 5000 रुपीज का जो हेल्प है वो फाइनली अब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या हो चुका होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 4 मई 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उन्होंने दिल्ली के ड्राइवर्स के लिए, जो टैक्सी ड्राइवर भी हो सकते हैं, ई रिक्शा ड्राइवर भी हो सकते हैं, जो फटफट सेवा के ड्राइवर भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट, कोई भी ड्राइवर हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास बैच है, जिनका अपना आधार कार्ड है, दोस्तों ऐसे लोगों को 5000 रुपीज गवर्नमेंट देगी। उन्होंने 4 मई 2021 को यह घोषणा की थी, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि आखिर अभी तक अकाउंट में आया नहीं, आएगा तो कैसे आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई लिंक नहीं आया है, कोई वेबसाइट जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों फाइनली अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और आपके अकाउंट में ये पैसे बहुत जल्द क्रेडिट हो जाएंगे या हो चुका होगा। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री कैलाश गहलोत जी ने, उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए, आप उस ट्वीट्स को आप देख सकते हो, उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब रास्ता साफ हो चुका है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, फाइनली ड्राइवर के अकाउंट में 5000 रुपीज डाला जाएगा। दोस्तों उन्होंने ये भी क्लियर किया कि लास्ट ईयर जिन ड्राइवरों को 5000 रुपीज का हेल्प मिला था उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, दोस्तों उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने यह भी क्लियर किया है कि जिन्होंने लास्ट ईयर इसका बेनिफिट नहीं उठाया था या जो न्यू ड्राइवर हैं या किसी कारण बस उनके अकाउंट में ये पैसे नहीं आ पाए थे तो उनको कैसे मिलेगा। दोस्तों उन्होंने बताया उनके लिए भी एक वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर एक वेबसाइट लॉन्च किया गया था, एक लिंक आएगा आपके पास, उस लिंक में आपको रजिस्टर करना होगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, आपके बैज को, आपके आधार कार्ड को और आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया जिन ड्राइवर्स की मौत हो चुकी है यानी जिनकी डेथ हो चुकी है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर लास्ट ईयर उनको मिल चुका था तो इस बार उनको नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनको कैसे पता चलेगा कि किनकी डेथ हो गई है और किनकी डेथ नहीं हुई है। तो दोस्तों उन्होंने क्लियर किया है MCD ऑफिस से वो सारा रिपोर्ट मंगाया जा रहा है क्योंकि अगर डेथ होती है किसी की तो कहीं ना कहीं MCD के पास उसका रिकॉर्ड होता है। दोस्तों उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज 1 फरवरी 2020 तक वैलिड था ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और बैज एक्सपायर हो गया है तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कंफ्यूजिंग है, अभी इस पे कंफ्यूजन बरकरार है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आता है तो दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आपके लिए वो न्यूज लेकर आऊंगा। आपको अगर चाहिए कि इसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए और इस फॉर्म को कैसे भरा जाए तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म फिल करने का डेट आएगा तो मैं फॉर्म फिल करके प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे कैसे आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो 1,56,000
1350 ड्राइवर्स को इसका बेनिफिट मिला था। दोस्तों इससे पता लगता है कि दिल्ली में अच्छा खासा ड्राइवरों की संख्या है, जो डेली कमाकर लाते हैं तभी वो और उनकी फैमिली खाती है, उनके कमाई पर ही पूरा घर डिपेंड रहता है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये 5000 रुपए का जो हेल्प है ये बहुत बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने वाकई वो कर दिखाया है जो और भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, या ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट है जहां जहां लॉकडाउन लगाया गया है, तो दोस्तों उनको भी ये कदम उठाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।